नहीं हुई। ये मैंने आपके सामने ना वो रिपोजिटरी खोली हुई है जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बनाकर दिखाई थी कि यार ये हेलो वर्ल्ड रिपोजिटरी है। अच्छा तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसमें मैंने तो बनाई थी ना टेक्स्ट फाइल, अब इसको मैं करता हूँ क्लोन। बल्कि क्लोन क्यों करूँगा, मेरे पास तो पहले से हुआ पता ना क्लोन, ये मेरे पास तो ये पहले से क्लोन हुआ हुआ था। मैं जाऊंगा वीएस कोड में और ये मेरे पास ये रहा, यही है ना वो रिपोजिटरी। अच्छा स्क्रीन गई दोबारा, ये कैसे होता है इसमें, अच्छा तो क्या ख्याल है दोबारा से क्लोन ले लूँ या इसी में चेंजेस कर लूँ, इसी में ही कर लेते हैं ठीक है। क्लोन लेना वैसे बहुत आसान है, कमांड उसकी क्या है गेट क्लोन और उसके बाद यूआरएल, ठीक है यूआरएल एचटीटीपीएस वाला कॉपी करना है जब होगा, एक एसएसएच वाला है वो मुख्तलिफ तरीका है, वो हम अभी कवर नहीं कर रहे, वो भी सही है गलत नहीं है वो भी, लेकिन वो हम कवर नहीं कर रहे फिलहाल। अच्छा तो मैं ये टेक्स्ट फाइल को रहने देता हूँ, एक फाइल और क्रिएट कर देता हूँ जिसको बोलते हैं हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। और मैं एक छोटी सी जो है ना सीवी बना देता हूँ, ठीक है एक छोटी सी सीवी मैं बना देता हूँ, और मैं भी जो असाइनमेंट आपको दिया था वो मैं भी बना देता हूँ, ठीक है माई रिज्यूम, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या बना दिया कुछ पॉइंट्स, ठीक है सम गुड पॉइंट, ठीक है चार पांच मैंने पॉइंट बना दिए। इसको ओपन करके देख लेते हैं दिख रहा कैसा है अभी, ठीक है ये एक छोटी सी सीवी बन गई जिसमें सिर्फ कुछ गुड पॉइंट्स लिखे हैं और कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने तो अच्छा सा बनाया होगा माशाल्लाह से, अभी देखते हैं। अच्छा अच्छा कहाँ गया मैं, हाँ ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने वापस गिटहब में भेजना है। अच्छा तो उसका एक तरीका तो मैंने पहले बताया था आपको, वो क्या तरीका था कि गेट एड स्टैरिक ये लिख के मैं पहले एंटर करूँगा, ठीक है फिर मैं लिखूँगा गेट कमिट माइनस एम और उसके बाद मेरी मर्ज़ी का कोई भी मैसेज, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं क्या लिखूँगा गेट पुश ओरिजिन मेन, ये मैं लिखूँगा तो यही कोड मेरा पुश हो जाएगा। अच्छा आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है ना, इसके अंदर भी एक आपको फैसिलिटी दी गई है जिससे ये कमांड वाला काम ना आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कहाँ है वो वाला, ये आप देख रहे हैं सोर्स कंट्रोल लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक किया और क्लिक करके ये जो मैसेज लिखने की जगह आ रही है यहाँ पे मैंने लिखा कि माई सम कोई भी मैसेज, सही है सम वर्क, और मैंने उसके बाद ये टिक का बटन देख रहे हैं मैसेज लिख के मैंने ये टिक का बटन दबा दिया, ये क्या हो गया कमिट, ऐड और कमिट साथ साथ हो गया दोनों, ठीक है जो दो शुरू के स्टेप थे ये दोनों हो गए, सेम वही काम हो रहा है, ये भी पीछे वही सेम कमांड चलाता है लेकिन ये कि थोड़ा सा हैंडी होता है, ये जिन लोगों को टर्मिनल से इशू है या कमांड लिखी नहीं जाती तो उनके लिए हैंडी हो जाता है। अच्छा उसके बाद आप देखें यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है पुश, ठीक है ये पुश का बटन आपने दबा दिया, ठीक है ये घूमा पुश हो गया, जो वही जो हम कमांड से करते थे काम वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा तो इसका मतलब है कि अगर ये पुश हो गया है तो गिटहब में मुझे ये नज़र आ जानी चाहिए फाइल जो मैंने अभी बनाई है, एक फाइल तो पहले से थी ना टेक्स्ट फाइल, अभी मैंने एक और फाइल बना दी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा इस फाइल का नाम मैंने ये जिक्र किया था कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होना ज़रूरी है और इसका स्मॉल लेटर में होना भी ज़रूरी है, ये कैपिटल आई से अगर इंडेक्स लिखेंगे तो भी शायद ये प्रॉब्लम्स करें आपको आगे जाकर, तो वो हम इंशाल्लाह आज देख लेंगे कि इसका नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होना क्यों ज़रूरी है। अच्छा तो चलते हैं गिटहब में और जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि वो चेंजेस यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है मैंने जो कमिट का मैसेज लिखा था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, जो मैंने कमिट करते हुए जो भी मैसेज लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा अब मसला ये है कि ये बन तो गया एच टी एम एल फाइल, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे और आप किसी को ये दिखाएंगे तो इस इतना टाइम थोड़ी होता है किसी के पास कि आपको खोलेगा वो कोड, और कोड जाहिर है वो लंबा कोड होगा आपका, इतना टाइम थोड़ी होता है किसी को वो कोड आपका देखे, अब ये मसला तो ख़राब हो गया। तो हमें इसको
ऐसी फॉर्म में लाना है कि ये पेज पे जैसा आपकी स्क्रीन पे दिखता है वैसा सीवी पूरा दिखे। अच्छा, उसके लिए हमें इस वेबसाइट को होस्ट करना पड़ेगा इंटरनेट पे किसी जगह, ठीक है। अच्छा, होस्ट क्या होता है? होस्ट ये होता है कि जैसे गिटहब में ये पड़ा हुआ है ना कोड, इसी तरह क्लाउड में कोई कंप्यूटर होगा, उसमें ये वेबसाइट हर वक्त रन हो रही होगी, कोई भी खोलेगा उसको वो दिखेगी वेबसाइट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होस्टिंग, कि एक वेबसाइट आपने तो बना ली, आपके कंप्यूटर में तो चल गई, लेकिन अब कोई दूसरा बंदा खोलेगा उस वेबसाइट को तो उसको भी ऐसी चल के दिखनी चाहिए। तो ये चीज़ अचीव करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसको हम कहते हैं होस्टिंग का प्रोसेस। अच्छा, खुशकिस्मती से हमारे पास बहुत सारे फ्री होस्टिंग सर्विस अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें फायरबेस है, जिसमें सर्ज है, नेटलीफाई है और गिटहब पेजेस है। गिटहब पेजेस सबसे आसान है, तो हमको आज हम गिटहब पेजेस में होस्टिंग करेंगे इस वेबसाइट की। अच्छा, होस्टिंग करने के बाद क्या होगा, एक आपको यूआरएल मिल जाएगा, जैसे facebook.com एक यूआरएल है ना, ऐसे आपकी वेबसाइट का एक .com यूआरएल आपको मिल जाएगा। वो यूआरएल कोई भी बंदा पूरी दुनिया में उस पर क्लिक करेगा तो ये वेबसाइट आपकी खुल के आ जाएगी सामने। अच्छा, आर यू एक्साइटेड? अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये होस्टिंग वगैरह पहले से की हुई है कभी ना कभी? अच्छा, 2-4 लोग हैं। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, आपने कभी भी अपनी वेबसाइट बना के इंटरनेट पे होस्ट नहीं की है? अच्छा, तो ये आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि पता चले ना यार, वेब कोई अगर आप किसी से बोलेंगे कि भाई मैं वेबसाइट बनाना मुझे आती है, मैंने एक HTML की CV बनाई है, तो वो कहेगा दिखाओ वो वेबसाइट क्या है। आप कहेंगे गिटहब में, वो कहेगा अबे भाई गिटहब तो डेवलपर्स को पता है ना, आप भेज दो भाई, तो जगह है यहाँ पर। हाँ, सब जगह खुलेगी, तो वो तो कहेगा आपसे वेबसाइट दिखाओ मुझे, वो तो नॉर्मल बंदा है ना, ले मैन है, वो डेवलपर थोड़ी है, उसको थोड़ी गिटहब का पता है। गिटहब में जब आप शेयर करेंगे तो कौन देखेगा? दूसरे डेवलपर्स देखेंगे, मेरे जैसे लोग शायद देखें, देखना पसंद करें, लेकिन एक ले मैन, आप अपनी नानी से बोलेंगे कि मैं वेबसाइट मुझे बनानी आ गई है, तो नानी बोलेंगी वेबसाइट दिखाओ, नानी बोलेंगी मेरे फ़ोन में खोल के दिखाओ। आजकल तो नानी दादी भी स्मार्टफोन वाली हो गई है ना, कहेंगे मेरे फ़ोन में क्यों नहीं खुल रही तुम्हारी वेबसाइट, फेसबुक तो खुलती है मेरे पे, कहेंगे तुम्हारी वेबसाइट ख़राब है, सही है। तो जाहिर है फिर फेसबुक पे भी शेयर करना है ना, हमारे सारे रिश्तेदार आवाम तो फेसबुक पे, तो फेसबुक पे शेयर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो नज़र आए, तो हम वो करते हैं। अच्छा, क्या करना होगा? बहुत आसान है, ये सेटिंग जो देख रहे हैं ना। अच्छा, ये सेटिंग कौन सी वाली है? एक तो सेटिंग है आपकी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे, सही है, एक सेटिंग इसमें नहीं जाना है, ये रिपोजिटरी के अंदर आके ये सेटिंग आपको नजर आएगी, ठीक है। जब आप अपने रिपोजिटरी के अंदर आ जाएंगे, ये मेरी रिपोजिटरी है, तो इसके अंदर आपको इस जगह पे सेटिंग का एक बटन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देखिए आपके सामने एक मेन्यू खुल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है पेजेस, इस पेजेस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने पेजेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले सोर्स, सोर्स पे नहीं, सोर्स को छोड़ दो, ये ब्रांच, नन लिखा हुआ है, इसको आपने चेंज करके कर देना है मेन। अच्छा, मेन ब्रांच कौन सी है जो आपने जिसमें पुश किया हुआ है? गेट पुश ओरिजिन मेन, ये वो वाला मेन है, ठीक है। अच्छा, पहले ना ये मास्टर होता था, गेट पुश ओरिजिन मास्टर करते थे पहले हम, लेकिन अब सब जगह जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है उसका नाम क्या हो चुका है? मेन हो चुका है। अब ये ब्रांचेस क्या होती हैं ये इंशाल्लाह हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू में इतना तो हम सीख गए कि अब पुश पुल करना आ गया, जितना भी कोड आप लिखेंगे अब हम सब इंशाल्लाह गिटहब में डालेंगे। तो ये मेन मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से, और मेन सेलेक्ट करके मैंने इसको सेव का बटन दबा दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने सेव का बटन दबाया तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, कुछ हुआ क्यों नहीं, यहाँ पे एक लिखा हुआ आ जाता है कि बीइंग डिप्लॉयड। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, ये क्या सीन है? यहाँ पे ना यूआरएल लिखा हुआ आ जाना चाहिए था, नहीं वो लोडिंग भी आ जाता है, वो भी नहीं आया। अच्छा, खैर, तो ये कुछ अभी कर रहा है बैकग्राउंड में ना, कुछ कर रहा है, थोड़ी देर में ये लिखा पा जाएगा। अच्छा, अगर मैं देखना चाहूँ उसको, जो लोडर इसको यहाँ पे दिखाता था पहले, अभी कुछ बग आ गया इसमें शायद, तो अगर मैं वो लोडर देखना चाहूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा?
ये जो एक्शंस लिखा हुआ है ना इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये देखो लोडर चल रहा है, क्या लिखा हुआ है पेज, अच्छा ये टिक लग गया ना। अब मैं वापस जाऊँगा पेजेस में तो वहाँ यू आर एल अब शो करना चाहिए एटलीस्ट उसको। हाँ देखो ये यू आर एल आ गया, ये विजिट साइट का बटन भी बना हुआ गया, इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये वही मेरी वेबसाइट जो मैंने अभी अभी बना के डाली थी वो मेरे सामने आ गई। ठीक है, ये वाला जो इसका यू आर एल है, ठीक है ये यू आर एल मैं आप सब लोगों को भेज रहा हूँ एयर डॉट सिस बॉर्ड पर, आप इसको चला के देखें। सही है, चलनी चाहिए आपके पास। अच्छा अच्छा ये अगर आपके पेज का नाम जो है ना HTML के पेज का नाम index.html अगर नहीं हुआ एग्जैक्टली तो ये काम नहीं करेगा। सही है, होस्टिंग सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट क्या तलाश करती है, आपके फोल्डर में एक फाइल तलाश करती है जिसका नाम index.html हो, तो होस्टिंग सर्विस में डिफ़ॉल्ट है ये। वो तुमने प्राइवेट तो नहीं किया प्रोजेक्ट को? हाँ जाओ सेटिंग में जाओ, अच्छा स्क्रॉल करो पेजेस आते रहे, मुझे यहाँ से दिख रहा है, पेजेस में जाओ देख गया पेजेस। अब यहाँ पे जाके ब्रांच सेलेक्ट कर लो, ब्रांच सेलेक्ट कर लो मेन या जो भी तुम्हारी डिफॉल्ट ब्रांच है, मेन ही होगी बस। अच्छा तो ये वेबसाइट चल गई सब लोगों के पास जो मैंने भेजी आपको, सेम वही चीज़ लिखी भी आ गई, इसका मतलब है ये वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव हो चुकी है। अच्छा ये सर्विस गिटहब हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं आप उसको गिटहब में पुश करें वो होस्ट भी हो जाते हैं। अच्छा तो अब आपने क्या करना है, वो थोड़ी देर में होगा, अभी थोड़ी देर अभी ये मैं आपको करने के लिए दूंगा टास्क, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा तो ये URL मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं आया मेन अपनी रिपोजिटरी में। मेन रिपोजिटरी में आने के बाद ना आपको क्या करना है, ये छोटा सा देख रहे हो अबाउट लिखा हुआ है साइट पर, इस अबाउट में ना वो देखो लिखा हुआ है नो डिस्क्रिप्शन, इसको सेटिंग का बटन दबा के एडिट किया, गौर से देख रहे हो सब लोग, इसको एडिट किया, एडिट करने से ना देखो क्या आ गया वेबसाइट, इस वेबसाइट में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है और सेव कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा कि अब जो मेरी रिपोजिटरी है ये कंप्लीट रिपोजिटरी है, मतलब कोड एक तरफ दिख रहा है और दूसरी तरफ मुझे एक URL दिख रहा है जिसको क्लिक करने से ये वेबसाइट खुल जाती है। अच्छा तो जितने सारे लोगों ने अभी यहाँ पे अपना CV वाला जो प्रोजेक्ट था HTML का वो बना लिया है, वो सारे इस पर होस्टिंग इनेबल करते हैं ताकि वो आपकी जो CV है वो होस्ट हो जाए, उसका एक URL जनरेट हो जाए और उसको अबाउट में जाके ऐसे पेस्ट कर देना, ठीक है प्रेजेंटेबल अब आपका हो गया किसी हद तक काम, चलें शुरू हो जाए पोस्ट कर ली। लेकिन मसला ये उस वेबसाइट में कोई कलर नहीं लगाए हुए थे हमने, ठीक है क्योंकि HTML से तो कलर लगते नहीं है, HTML से जस्ट ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जो बिल्डिंग होती है, जब बिल्डिंग तैयार होती है तो उसमें क्या होता है पहले ग्रे स्ट्रक्चर होता है उसका, पिलर विलर लगा के दीवारें बन जाती हैं, कमरे भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाता है, लेकिन उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसमें पेंट करना पड़ता है, उसमें फिनिशिंग वाला जो काम होता है वो करना पड़ता है। तो CSS से ना वो काम होगा, सिर्फ HTML से आप स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं कमरे बिल्डिंग सब बन जाएगी पूरी, सब खड़ी हो जाएगी बनके, लेकिन उसमें कोई कलर नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। तो कलर ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि कलर बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में कि जब आप कोई कलर देखते हैं ना तो कलर से आपका एक स्पेसिफिक मूड हर आपको कलर दे रहा होता है। मिसाल के तौर पे कोई भी जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ज़्यादातर वो अपने पोस्टर पे अपने मेन्यू पे येलो और रेड कलर का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसको देख के आपको भूख लगती है रेड और येलो कलर को। उसके अलावा भी आप जब किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो ग्रीनरी है जहाँ पर वहाँ पर आपका मूड चेंज होता है। आप सिनेमा में जाते हैं वहाँ अंधेरा होता है, रेड लाइटिंग होती है, रेड कारपेट होता है, रेड पर्दे होते हैं, तो उसको देख के एक खास मूड बनता है आपका। तो इसी वजह से वेबसाइट भी जब बंदा देखता है तो जो मुख्तलिफ शॉपिंग की वेबसाइट है उसकी कलर स्कीम थोड़ी मुख्तलिफ मुख्तलिफ होती है, ठीक है तो कलर तो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टॉपिक है ना ये डिज़ाइनर्स को ज़्यादा अच्छे डिटेल में पढ़ाया जाता है कि कौन से कलर कहाँ, लेकिन कलर लगाना ज़रूरी है, कन्वेंस हो गया। अच्छा तो CSS सबसे पहले ना अप्लाई कैसे करते हैं, CSS का हेलो वर्ल्ड कैसे बनता है वो हम देखते हैं। अच्छा आ जाते हैं अपने हम उसी कोड में जो पहले दिन लिखा था मैंने। अच्छा इसमें आके ये जो मेरे पास HTML की जो फाइल थी ना
इसमें CSS लगाने के दो तरीके हैं। नंबर एक कि मैं हेड में जाऊं इसके और स्टाइल एक स्टाइल का टैग लगाऊं मैं। स्टाइल का टैग लगाने के बाद इसमें मैं क्या कह देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई ये जो H1 लिखा हुआ है ना माई रिज्यूम में, इसको आप कर दो ग्रीन। ये मैं बात CSS के ज़रिए बता सकता हूँ, तो ये मैं बता देता हूँ। H1 मैंने कहा H1 को क्या कर दो, कलर जो उसका कर दो ग्रीन, ठीक है। अच्छा ये ग्रीन कोई बड़ा ही वाहियात किस्म का ग्रीन है, सही, ठीक है। ये ग्रीन कोई बड़ा ही अजीब किस्म का अगर ग्रीन आपको लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, VS कोड में ना इस पर आप हवर करेंगे ना थोड़ी देर तो ये सिलेक्शन आ जाती है इसमें। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा डार्क कर दो, बस हल्का सा दिखने में लगे ग्रीन है लेकिन ऑलमोस्ट ब्लैक हो, क्योंकि हेडिंग है ना अल्टीमेटली, सही है। तो ये फीचर आपको किसने दिया, ये जो कलर सेलेक्शन, ये VS कोड ने दिया है। बाकी अगर किसी और में होते आप तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, आप ग्रीन लिखते ग्रीन हो जाता। अच्छा तो ये हमने एक हेलो वर्ल्ड बना लिया CSS का, ठीक है। अच्छा H1 को मैंने कलर चेंज किया है, आप इस LI का भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा, एक हेलो वर्ल्ड बनाया CSS का जिसके अंदर हमने एक हेडिंग का कलर चेंज किया। अच्छा मैंने ये कहा था कि इसको लगाने के दो तरीके हैं, तो दूसरा क्या है वो भी बता देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉमेंट कर दिया, रोक दिया। अच्छा कॉमेंट क्या होता है, किसी भी कोड को अगर वक्ती तौर पर मैं रोकना चाहूँ तो उसको मैं कंट्रोल और स्लैश दबाता हूँ तो वो कमेंट हो जाता है, वो कोड पर चलता नहीं है, वक्ती तौर पे वो रुक जाता है। इसके दो वजह हो सकती है कमेंट करने की, एक तो ये कि मैं डिबगिंग पर्पसेस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं, दूसरा ये कि मैं कोई एक्चुअल कमेंट लगाना चाह रहा हूँ। मैंने कुछ कोड लिखा है, ज़ाहिर है कल को दूसरे डेवलपर आएंगे उस कोड को देखेंगे उसको एडिट करेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ वहाँ पे मैं एक लाइन लिख दूँ जो उसको गाइड करने के लिए वो लाइन बाद में काम करे, तो उसको मैं कमेंट में लिखता हूँ। तो ये दो रीज़न, तो खैर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दिया। तो पहला तरीका स्टाइल को लगाने का हमने ये देख लिया। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा style.css, ठीक है। इसका नाम style.css रखा है, आप इसका कोई दूसरा नाम भी रख सकते हैं। और मैंने वही काम जो है ना H1 वाला कि H1 का कलर क्या कर दो, अब की बार मैंने बोला रेड कर दो, ठीक है। अच्छा वो फाइल तो बन गई CSS की, उसको यहाँ पे मुझे अटैच करना है इस फाइल को। इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा लिंक, ठीक है। मैंने कहा लिंक के अंदर रिलेशन स्टाइल शीट और href के अंदर style.css, ये VS कोड ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके लिख दिया। मैं हाथ से भी लिख दूँ एक ही बात है, ये मुझे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इसने लिख दिया। सेव किया मैंने फाइल को, अब आप देखेंगे ये वाला तो कोड चलेगा नहीं, कमेंट रुका रहेगा। ये लिंक के ज़रिए क्या करेगा, वो फाइल उठा के यहाँ पे लेकर आ जाएगा, एक ही बात, ठीक है। अच्छा जो मैंने पहले लगाया था ना ये वाला, इसको हम कहते हैं इन लाइन CSS, इन लाइन तो नहीं, खैर क्या बोलते हैं सुशादा बोलिया, इसका क्या नाम होता है पता है किसी को, इंटरनल CSS, और ये है एक्सटर्नल CSS। इन लाइन भी एक होती है वो अलग है, उसको छोड़ दो। तो ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, बात एक ही है लेकिन कोड दोनों में एक जैसा ही होगा, CSS की ज़ुबान चेंज नहीं होगी जी। हाँ मैं क्लास में ज़्यादातर इंटरनल यूज़ करूँगा CSS, लेकिन एक्सटर्नल रिकमेंडेड है, ठीक है। मैं इंटरनल इसलिए करूँगा क्योंकि सेम पेज पे हो ना तो मुझे दिखाने में आसानी होती है आप लोगों को। रेकमेंडेड ये सेकंड वाला तरीका है कि एक्सटर्नल फाइल हो, अलग से फाइल हो, ठीक है। अब क्योंकि शुरू में पहले HTML जब आई थी तो HTML और CSS एक ही होते थे, अलग अलग तो बाद में किया इसको, और अलग अलग करने का रीज़न क्या था कि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, तो इन्होंने बोला यार स्ट्रक्चर वाला काम अलग होगा और स्टाइलिंग वाला काम अलग होगा। इन द सेम वे कि जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग होते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करने वाले लोग अलग होते हैं, और जो पेंटर टाइल वाइल लगाने वाला पेंटर और ये लोग सब अलग होते हैं, ठीक है। तो जो फिनिशिंग टच देने वाले होते हैं ना थोड़े नाजुक किस्म के लोग होते हैं, पेंटर वेंटर थोड़े ना शायर किस्म के लोग होते हैं, और जो ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं ना वो होते हैं जल्लादी, लटक रहे होते हैं, पता नहीं मैं तो उनको देख के मुझे हॉल उठ जाता है कि जैसे लटक रहे होते हैं ना वो, और लटक के उन्होंने वो प्लस्तर कर रहे होते हैं। तो खैर इसमें बंदा तो एक ही होता है, HTML और CSS लिखनी आप नहीं है, लेकिन उसकी फाइलें अलग अलग होती हैं ताकि वो कोड मिक्स होकर ना खिचड़ी ना बन जाए, तो इसलिए तो
यही वजह है कि इंटरनल CSS हम अवॉइड करते हैं, हम कोशिश करते हैं अलग फाइल हो, लेकिन अभी इस क्लास में इंटरनल यूज़ इसलिए करूँगा मैं कि इंटरनल, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कोड लिखूँगा ना, शुरू में हमने डिसाइड कर लिया था हम कोड बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा कोड के बाद हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, तो थोड़े थोड़े कोड में कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा कोड हो तो फिर वो मिक्स होकर ना खिचड़ी बन जाती है पूरी। अच्छा तो ये मैंने लगा दिया, इसको चला के ज़रा देखते हैं, रेड हो गया कलर, सही है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ये सब लोगों को समझ आया कि ये CSS लगी कैसे, अटैच कैसे हुई है? पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों समझ में आया? दूसरा वाला तरीका मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो पहले मैंने बनाई CSS की एक फाइल, इसका नाम क्या रखा मैंने, style.css, नाम आप कोई दूसरा भी रख सकते हैं, ठीक है। HTML का नाम तो खैर index.html ही होगा, लेकिन CSS का नाम आप कोई और भी, जाहिर है जो नाम फिर आप रखेंगे ना उसी नाम से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ HTML में आके उसी नाम से आप इसको अटैच करेंगे, ठीक है। अटैच करने का तरीका क्या है, आप लगाएंगे लिंक। लिंक क्या है, एक मार्कअप है, जो आपने कल की क्लास में तमाम मार्कअप्स की एक लिस्ट देखी थी उसमें लिंक भी मौजूद होगा। लिंक किस लिए काम आता है, CSS की फाइल को अटैच करने के काम आता है, ठीक है। तो लिंक लगाया मैंने, रिलेशन स्टाइल शीट। अच्छा लिंक का जो मार्कअप था उस पर आप क्लिक करेंगे तो अंदर उसकी डिटेल आती है, उसमें ये एग्जांपल भी लिखी हुई होगी, ठीक है, कल जो लिस्ट आप लोगों को दी गई है। अच्छा और href style.css, ये हो गया हमारा, इस तरह ये अटैच हो गई। अच्छा और कोई सवाल किसी का? यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है। अच्छा देखो CSS के अंदर अब क्या होता है, HTML में तो मार्कअप्स होते थे ना, CSS के अंदर क्या होता है, CSS के अंदर होते हैं ये CSS के रूल्स, ठीक है, और ये कहलाता है CSS का सेलेक्टर। ये जो H1 लिखा हुआ है ये सेलेक्टर कहलाता है। सेलेक्टर वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन तीन सेलेक्टर मेजर हैं। नंबर एक जो मार्कअप का नाम, सही है, ये सेलेक्टर अभी मैंने यूज़ किया। अच्छा इसकी जगह मैं मार्कअप की आईडी या मार्कअप के क्लास भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, मार्कअप की आईडी या मार्कअप का क्लास भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, नीचे आके ज़रा आईडी और क्लास दे देता हूँ, ठीक है। किसी भी मार्कअप को आप क्लास दे सकते हैं, सम क्लास। अच्छा कोशिश करते हैं क्लास में और आईडी में ना स्पेस ना दें, अवॉइड करते हैं, फाइल के नाम में भी स्पेस देने से हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्पेस समटाइम कुछ जगहों पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अच्छा एक को मैंने दे दिया क्लास और दूसरा छोड़ के मैंने दे दिया सम आईडी। मार्कअप को मैं क्लास और आईडी दे सकता हूँ। अच्छा तो ये तीन सेलेक्टर हमने पढ़ लिए, नंबर एक जो मार्कअप है उसका नाम के जरिए भी आप लगा सकते हैं स्टाइल, और क्लास और आईडी के जरिए भी लगा सकते हैं। अच्छा तो ये मसला क्या है, मिसाल के तौर पे अगर मैं H1 लिख के लगाता हूँ ना लाल, या H1 लिख के मैं बोलता हूँ ग्रीन हो जाओ, तो फिर मेरे पूरे HTML में जितने भी H1 होंगे ना सब ग्रीन हो जाएंगे। मैं हमेशा ये नहीं चाहता हूँ, समटाइम ऐसा, क्यों जाहिर है सारे H1 थोड़ी मुझे लाल करने होंगे, ठीक है, पहली हेडिंग है या बीच में कोई एक खास हेडिंग है उसको मैंने लाल करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आईडी का इस्तेमाल करूँगा। आईडी कैसे देते हैं हम, हैश और आईडी का नाम, सम आईडी रखा था मैंने मेरी आईडी का नाम, इसका मैंने बोला कि भाई क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो हो जाए इसका वो हो जाए, क्या रखा जाए इसका, ब्लू, ठीक है। अच्छा ब्लू बहुत सख्त किस्म का ब्लू है ये, तो मुझे ना ब्लू लाइट सा चाहिए, बिल्कुल लाइट सा ब्लू चाहिए। ये मैंने इसके सेलेक्टर से क्या कर लिया, लाइट सा एक ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, पर्पल सा कुछ है ये, मैंने सम आईडी देके इसको कोई कलर दे दिया। रिफ्रेश किया मैंने, देखो जिस पे आईडी लगी हुई थी ना उस पे हुआ ऐसे, बाकियों पे नहीं हुआ। अगर मैं इसको बोलता कि li, ये li है ना सारे एलिमेंट, तो li बोलता तो सब पे लग जाता वो तो, लेकिन मैंने क्या बोला कि इस आईडी पे जो लगा हुआ ना सम आईडी इस पे लगाओ, तो सिर्फ इस पे लगाओ। अभी हम ये देख रहे हैं कि CSS को अप्लाई करते कैसे हैं जी। हाँ अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, अभी तो सिर्फ आईडी पे लगाना बताया ना, अब क्लास पे भी लगाते हैं। देखो अब आता हूँ मैं क्लास पे, अब क्लास को मैं कैसे लगाऊंगा, डॉट करके, डॉट करके मैंने कहा सम
क्लास, और इस पे आके मैंने क्या बोला, मैंने कहा फॉन्ट का जो है ना आपके क्या होता है फॉन्ट साइज, हाँ फॉन्ट साइज, मैंने कहा फॉन्ट साइज आपका हो जाए 25 पिक्सल, यानी थोड़ा बड़ा हो जाए फॉन्ट का साइज, ठीक है। फॉन्ट का साइज बाई डिफॉल्ट जो आपके पीसी का होता है वही होता है 16 पिक्सल होता है गालबन, या 12 पिक्सल होता है। अच्छा तो मैंने कहा 25 पिक्सल हो जाओ भाई, किस पे दे दिया मैंने सम क्लास। अच्छा तो अब ये किस पे अप्लाई हो जाना चाहिए, ये पहले वाले पे अप्लाई हो जाना चाहिए। करते हैं, अभी डिफरेंस नहीं देखा हमने दोनों का क्या है, देखो ये बड़ा हो गया जिस पे मैंने, जिस क्लास पे मैंने बोला कि भाई इसका फॉन्ट बड़ा कर दो, वो बड़ा हो गया। अच्छा तो आईडी और क्लास में अब डिफरेंस क्या हुआ, दोनों तो एक ही तरह से काम कर रहे हैं। क्लास को मैं किसी और जगह पे भी लगा सकता हूँ, मैंने कॉपी किया और मैंने ये लास्ट वाले LI पे भी जाके क्लास लगा दी। आईडी को मैं सेम आईडी दो जगह नहीं लगा सकता, एरर देगा वो मुझे, ठीक है। अगर मैं ये सम आईडी कॉपी करूँगा ना यहाँ से और इसके बाद एक और इस पर भी लगा दूंगा तो ये मोस्ट प्रॉब्ली मुझे एरर देगा। अच्छा इसने एरर यहाँ पे नहीं दिया लेकिन ये अलाउ नहीं है, ठीक है। आईडी को हम एक के ऊपर लगाते हैं। अच्छा वो हम क्यों एक पे लगाते हैं, वो जब आप जावास्क्रिप्ट में उस एलिमेंट को गेट करेंगे ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो क्यों होता है, ठीक है। तो आईडी को हम एक वक्त में एक ही एलिमेंट को देते हैं। अच्छा मुझे नीचे वाले एलिमेंट को अगर आईडी देनी तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सम अदर आईडी उसको दूंगा, सम आईडी नहीं दे सकता, या सम आईडी 1 2 नीचे लगाता चला जाऊंगा फिर। तो एक एलिमेंट की जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। क्लास ऑन अदर हैंड हम 3 4 5 10 12 50 एलिमेंट पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे मैंने एक बनाया दिया पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक अदद पैराग्राफ बना दिया। पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट भी चाहिए ना मुझे, मैं ये टेक्स्ट उठा के ले आता हूँ पैराग्राफ में। मैंने नीचे एक पैराग्राफ बना दिया और उसमें मैंने कुछ टेक्स्ट भी लिख दिया, देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, नीचे पैराग्राफ भी है। अब अगर ये क्लास जो मेरी बनी हुई है पहले से, मैं इस पैराग्राफ पे लगाऊंगा अगर ये क्लास, तो ये लग जानी चाहिए ना, ठीक है। अच्छा क्लास का नाम मेरे कुछ अजीब है, मैं क्लास का नाम ना चेंज कर लेता हूँ, क्या रख देता हूँ क्लास का नाम, बिग फॉन्ट या लार्ज टेक्स्ट, सही है। ये मैंने क्लास का सब जगह मैंने चेंज कर दिया, ऊपर जहाँ ये लगाया हुआ था वहाँ पे भी क्या रख दिया मैंने क्लास का नाम, लार्ज टेक्स्ट। अब ये लार्ज टेक्स्ट वाली क्लास में जहाँ जहाँ लगाऊंगा ना, ये सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। अब पैराग्राफ का फॉन्ट क्या हो जाना चाहिए, 25 पिक्सल, ये 25 पिक्सल हो गया, सही है। तो क्लास में और आईडी में डिफरेंस ये है कि क्लास मुख्तलिफ जगहों पे मैं लगा सकता हूँ सेम क्लास, आईडी एक जगह पे लग सकती है सर, ठीक है। और अगर मार्कअप का नाम लिखूंगा तो फिर पूरे पेज पे जहाँ जहाँ वो मार्कअप होगा सब पे ही अप्लाई हो जाएगा वो। अच्छा ये सब लोगों को समझ आया, हमने 3 सेलेक्टर अभी पढ़े हैं यहाँ पे, इन 3 सेलेक्टर को ना गौर से देखें, और इसमें अगर कोई जहन में सवाल आता है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। किसी के जहन में कोई सवाल है? कोड बिल्कुल यही होगा। देख दोस्त पूछ रहे हैं कि अगर ये जो आपने इंटरनल CSS लिखी है, अगर ये मुझे एक्सटर्नल फाइल में लिखना होता तो क्या बिल्कुल ऐसे ही लिखता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लिखता है, कोई फर्क नहीं होगा। जी दोस्त क्या, हाँ हाँ क्लासेस जितनी चाहो बना सकते हो, आईडी जितनी चाहो बना सकते हो। नहीं जैसे ये मैंने सम आईडी लिखा था ना, इस आईडी का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ कि थर्ड आइटम, ठीक है। थर्ड आइटम मैंने नाम रख दिया, तो किसी भी नाम से बना सकता हूँ मैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जाहिर है जिस नाम से बनाऊँगा फिर इस्तेमाल भी उसी नाम से ही करना होगा मुझे। अभी मेरे पास सिर्फ एक आईडी है पूरे पेज के ऊपर, मैं 2 3 4 जैसे मैं ये हेडिंग है ना, इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ कि भाई फर्स्ट हेडिंग, ये मैंने इसको आईडी दे दी। अब इसके ऊपर मुझे अगर कोई काम करवाना है ना फर्स्ट हेडिंग वाले के ऊपर, तो मैं आईडी के ज़रिए क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कहूँगा भाई फर्स्ट हेडिंग, और फर्स्ट हेडिंग करके इस पर कोई भी स्टाइल में अप्लाई कर सकता हूँ,
ठीक है, यही था ना फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग करके ना मैंने उसको बोला कि भाई आप क्या कर दो, टेक्स्ट स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, और मैंने कह दिया कि भाई डैश्ड, वो अंडरलाइन कैसे लगता है भूल गया मैं, टेक्स्ट डेकोरेशन में तो नहीं आ रहा ना वो, अभी यहाँ देख लेते हैं हम। टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने भी तो ये लिखा था, वो सजेशन में आ रहा क्यों नहीं था, टेक्स्ट डेकोरेशन और ओवरलाइन अंडरलाइन सही है, देखते हैं कि वो आता है, यही तो लिख रहा था मैं। खैर तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा फर्स्ट हेडिंग पे क्या कर दो, अभी अंडरलाइन की CSS अप्लाई कर दो। अच्छा तो हमने तीन तरह के सेलेक्टर अभी तक डिस्कस कर लिए, इसमें किसी का कोई सवाल तो नहीं है, सब लोगों को ये बात समझ में आ गई। अच्छा हमने सबसे पहले क्या सीखा, CSS को फाइल में लिखते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं, हेलो वर्ल्ड उसको अटैच, ये हमने पहला सीखा। नंबर दो हमने सीखा कि CSS के सेलेक्टर्स होते हैं, कि किस एलिमेंट पे वो CSS अप्लाई करनी है वो सेलेक्टर होते हैं, नंबर दो ये सीखा। नंबर तीन हमने क्या सीखा, CSS के रूल सीखे हैं, रूल किसको कहते हैं, जैसे ये कलर और उसकी वैल्यू, बैकग्राउंड कलर और उसकी वैल्यू, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, फॉन्ट साइज 25, ये सारे क्या चीज़ हैं, ये सारे रूल्स हैं। अब CSS में जो बचा हुआ है ना सीखने के लिए, वो ये रूल है सारे, अगर ये सारे रूल आप सीख गए तो पूरी CSS आपको आ गई, आसान था, मुश्किल तो नहीं था। तो अब हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे ये तमाम रूल जो लिखे हैं ना इसकी एक लिस्ट हो कहीं पर, तो फिर CSS पूरी आ जाएगी फिर, तो ऐसा ही है। हाँ क्या कह रहे हो, जोर से पूछो ना सवाल ताकि मुझे समझ नहीं आया। अच्छा चलो छोड़ो, अच्छा तो अब हम तलाश करते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये तमाम CSS के रूल की ना मुझे लिस्ट मिल जाए। अच्छा अब एक चीज़ में और भी है, कुछ CSS के रूल ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक मार्कअप पे ही लग सकते हैं, किसी और पे नहीं लग सकते, जैसे कि टेबल है ना, उसके अंदर सेल की जो साइज़ वगैरह का आइटम है वो सिर्फ ज़ाहिर है टेबल पे ही लगेगा, भाई फ़ोटो के अंदर सेल थोड़ी होते हैं, है ना, फ़ोटो में तो विड्थ हाइट लगेगी जो जर्नल चीज़ें, लेकिन सेल का साइज़ बढ़ाना कम करना ये किस में लगेगा, सिर्फ ये सिर्फ टेबल में लगेगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से एक CSS होती है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना बुलेट्स, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, तो ये किस पे लगेगा, सिर्फ ये सिर्फ लिस्ट पे लगेगा, क्योंकि बुलेट पॉइंट लिस्ट के अलावा कहीं और आते ही नहीं। तो कुछ CSS ऐसी है जो किसी ख़ास मार्कअप पे ही काम करती है, सब पे ज़ाहिर नहीं करती काम वो, और बहुत सारी CSS ऐसी है जो कॉमन है, जैसे विड्थ और हाइट, चौड़ाई और लंबाई किसी भी एलिमेंट पर लग सकती है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से फॉन्ट का जो साइज़ है, ये फॉन्ट का साइज़ ज़ाहिर है उसी चीज़ पे लगेगा जिसमें फॉन्ट होता है, पैराग्राफ हेडिंग इन चीज़ों में फॉन्ट होता है, अगर किसी चीज़ में फॉन्ट है ही नहीं तो उस पर फॉन्ट साइज़ आप लगा भी देंगे तो कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। जैसे फ़ोटो है ना, फ़ोटो जैसे IMG का एक टैग है, मैं यहाँ पे एक IMG का भी टैग बना देता हूँ, मैं यहाँ पे एक IMG लगाया मैंने, सही है। अच्छा IMG में कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही थी तो मैं इसलिए ये IMG लगा के दिखा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे ना एक फ़ोटो उठानी है मैंने, ये मैंने एक प्रोफाइल, सॉरी मैं ये बात नहीं समझा आपकी, हाँ ये पिक्चर तो आपके लैपटॉप में सेव होनी चाहिए ना, मैं जब ही तो डाउनलोड कर रहा हूँ, एक फ़ोटो डाउनलोड कर रहा हूँ जल्दी से। अच्छा ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये रहा, ये मैंने न्यू, उसको मैंने सेव किया। अच्छा सेव मैं फ़िलहाल तो उसको डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, लेकिन
जो आपकी जितनी भी इमेजेस है जो आप अपने वेबसाइट पे लगाते हैं, उन इमेजेस के लिए ज़रूरी है कि वो इमेज कहाँ पर हो, आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर में हो, ताकि जब आप कोड पुश करें तो वो इमेज भी साथ साथ गिटहब में जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी मशीन में तो चलेगी, वो जब भेजेंगे होस्टिंग पे तो वो होस्टिंग पे काम ही नहीं करेगी। सही है, तो पिक्चर जो भी आप लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे वो ज़रूरी है कि उसी फोल्डर में हो जिसमें आपका बाकी का कोड है। तो मैंने डेस्कटॉप पे तो उसको रख दिया था, अब मैं इसको ना डेस्कटॉप से ज़रा ड्रैग करके लाता हूँ, और अपने ये डेस्कटॉप पे गई है फोटो। अच्छा ये है वो फोटो, डेस्कटॉप पे आ चुकी है मेरे पास। तो मैं डेस्कटॉप से ना ड्रैग करके इसको लाऊंगा, इसके अंदर आ गई। अच्छा इस इमेज को भी मैं डायरेक्ट रूट पे नहीं रखूंगा, क्योंकि जाहिर है वेबसाइट में एक इमेज थोड़ी होती है, 1000 इमेजें होती हैं, बटन्स की बहुत सारी इमेज होती है, जाहिर है फ़ोटो होगी, पूरी गैलरी होगी। कुछ वेबसाइट जैसे अगर कोई शॉपिंग कार्ट है तो उसमें तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी, हज़ारों प्रोडक्ट, और हर प्रोडक्ट की 10-10, 12-12 इमेज होगी। तो हम कभी भी इसको ना रूट पे नहीं रखते, हम क्या करते हैं एक फोल्डर बनाते हैं जिसको हम रखते हैं IMG, और ये फ़ोटो उस फोल्डर के अंदर होनी चाहिए मूव, ठीक है, ताकि रूट आपका ना क्लीन रहे। ये जो प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। इसका एक टर्मिनोलॉजी है, वैसे तो आप फोल्डर भी बोलें तो सही है, इसको हम वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं। तो वर्किंग डायरेक्टरी का जो रूट है ना वो क्लीन रहे, इसलिए उसको मैंने फोल्डर में कर दिया। अच्छा अब मैं ये फ़ोटो लगाऊंगा कैसे, ऐसा। अच्छा कुछ लोगों ने ना कंप्लीट पाथ दिया होगा सी ड्राइव से पूरा आखिर तक, ऐसा आपने नहीं करना है, आपने कहना है ./, और सामने सजेशन आ गई। सामने सजेशन में क्या शो कर रहा है, IMG का फोल्डर, ठीक है। तो ये IMG के फोल्डर में ही है ना मेरी इमेज, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने IMG लिखा तो उसके बाद देखो ये फ़ोटो का नाम ऑटोमेटिकली पकड़ रहा है, ठीक है। अच्छा फ़ोटो का नाम काफ़ी मुश्किल है तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ profile.jpg। सही है, ये फ़ोटो का नाम बहुत लंबा चौड़ा था तो मैंने क्या कर दिया, फ़ोटो के नाम को चेंज कर दिया। जाहिर है अब जो नया नाम है मुझे यहाँ पर वही नाम लगाना होगा जो नाम अब अभी है इसमें। अच्छा जाके देखते हैं जी क्या हुआ, ये फ़ोटो यहाँ आ गई। अच्छा अब इस फ़ोटो के ऊपर मुझे क्या करना है, इस पर मुझे विर्थ और हाइट कम करनी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी थोड़ी चाहिए मुझे फ़ोटो, मुझे तो छोटा चाहिए ना फ़ोटो, छोटी सी चाहिए। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इस इमेज को मैं एक क्लास दे दूँगा, और मैं क्लास का नाम क्या रखूँगा, क्योंकि मैं अगर IMG पे लगाना शुरू करूँगा ना तो जितनी भी इमेज होगी मेरे पूरे पेज पे सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो मैं IMG पे नहीं लगाऊंगा, मैं क्लास दूंगा इसको, क्लास प्रोफाइल, ठीक है, _ मेन, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर हो सकता है 2-3 जगह पे हो तो आप उसकी अलग अलग क्लास हो। तो प्रोफाइल _ मेन करके मैंने क्या बना दिया, ये प्रोफाइल बना दी। अब यहाँ पे आऊँगा मैं और मैं बोलूँगा .profile_main, और विर्थ हाइट इसकी कितनी हो जाए, 150 पिक्सल। अच्छा मैं सिर्फ विर्थ अगर दूंगा ना तो हाइट को ऑटोमेटिकली वो कम कर देता है, तो मुझे दोनों देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विर्थ भी दूंगा तो हो जाता है काम मेरा, ठीक है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ये गोल हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है, बॉर्डर रेडियस 50% कर देता हूँ मैं इसका, ठीक है, थोड़ा ओवल होगा, वैसे ये गोल नहीं होगी क्योंकि वो स्क्वायर नहीं है पिक्चर पूरी ना, इस वजह से ओवल हो रहा है। अगर आप चाहते हैं वो बिल्कुल सर्कल बने तो पिक्चर पूरी स्क्वायर होनी चाहिए। बल्कि इस पिक्चर को मैं एडिट कर देता हूँ ना, इस पिक्चर को आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं गया फाइंडर में, मैंने कहा यार ये पिक्चर खोलो और इस पिक्चर को ना स्क्वायर चाहिए मुझे, ये इस तरह नहीं चाहिए। अच्छा कैसे करूँगा मैं, ये मेरे पास एक बिल्ट इन इसमें है रीसाइज, इसमें होगा कहीं ना कहीं ऑप्शन एडजस्ट साइज, ठीक है, एडजस्ट सॉरी क्रॉप करना होगा, बल्कि मुझे ना एडजस्ट नहीं, अब ये क्रॉप कैसे होगी पता नहीं, कैसे होगी क्रॉप, ये नहीं है, उससे स्ट्रेच हो जाएगी वो। अच्छा इसका एक जुगाड़ बताता हूँ, ये photopia.com है ना, ये फोटोशॉप है, ये photopia.com है, तो इससे भी कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने ये पिक्चर यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दी, ये ऑनलाइन पूरा फोटोशॉप है, तो यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन कहीं ना कहीं होना चाहिए, देख लेते हैं यहाँ पे, दिख रहा है क्रॉप, हाँ ये रहा, ये क्रॉप दिख रहा है। अब ये क्रॉप पे ना ये देखो लिखा हुआ है एस्पेक्ट रेशो, मैंने कहा भाई फिक्स रेशो चाहिए मुझे, और फिक्स रेशो क्या चाहिए, 1:1,
तो इससे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, इमेज स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो कि कैसे हो रहा है, समझ आया सबको ये कैसे हुआ है, ये जूम कैसे होगा पता नहीं। खैर छोड़ो, इसको वापस मुझे क्या करना है, सेव करना है। कंट्रोल एस किया मैंने और सेव हो गया ये, ठीक है, इमेज मेरी स्क्वायर हो गई। फोटोपिया एक ऑनलाइन फोटोशॉप का पूरा क्लोन है, वो सारे फोटोशॉप वाले काम उसमें होते हैं। तो उसके ज़रिए मैंने क्या कर दिया, इमेज को स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने की वजह से क्या हुआ, अब ये वो अब मैं उसको चकोर गोल कर सकता हूँ प्रॉपरली, ठीक है। अब ये इमेज बिल्कुल स्क्वायर कर दिया मैंने, तो अब मैं इस पर बॉर्डर रेडियस लगाऊंगा ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनेगा। फोटोपिया को बंद कर देता हूँ, परफेक्ट सर्कल बन गया। तो हमने कुछ दो चार रूल हमने सीख लिए। कौन कौन से रूल सीख लिए हमने, विड्थ, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट डेकोरेशन, बैकग्राउंड कलर। अब मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे ये तमाम चीज़ों की लिस्ट मिले मुझे। अच्छा, वो जगह है ये आपकी W3 स्कूल। अच्छा, ये आपको लिंक भी मैं इसका भेज देता हूँ, बल्कि लिंक भेज क्या देता हूँ, इसी कोड में मैं लिंक अटैच कर देता हूँ। ये CSS जहाँ पे है ना लिखा हुआ, वहाँ पे मैंने ये लगा दिया, और इसके साथ मैंने लिख दिया फुल लिस्ट ऑफ CSS रूल्स, ठीक हो गया, फुल लिस्ट ऑफ CSS। ये CSS में और कौन कौन से रूल हैं जो मज़ीद इसमें हो सकते हैं पॉसिबली, वो सब का मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया। अच्छा, अब आप देखें क्या है यहाँ पे, कलर्स, बैकग्राउंड्स, बॉर्डर कैसे लगा सकते, जैसे फोटो है ना मुझे उसमें बॉर्डर चाहिए, वो कैसे लगेगा, मार्जिन, मार्जिन ये होता है कि, अच्छा मार्जिन में लिखा हुआ भी होगा, मार्जिन पे क्लिक करेंगे ना, देखो मार्जिन आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स। अच्छा, मार्कअप को ना, मार्कअप तो वैसे मैं शुरू में ऐसे समझाने के लिए कह रहा था, लेकिन मार्कअप्स का एक और भी नाम है जो ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ एलिमेंट। हम आमतौर पर इसको मार्कअप नहीं बोला जाता, ठीक है, उसको उसका एक नया नाम है एलिमेंट्स। मार्कअप भी सही है, गलत नहीं है वो, लेकिन मार्कअप आप शायद किसी को बोले ना उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कह रहे हैं, एलिमेंट उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट इज़ मोर फेमस। चीज़ एक ही है, लेकिन मार्कअप और एलिमेंट एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं। अच्छा, तो मार्जिन लगाने से क्या होता है, एलिमेंट्स के जैसे दो एलिमेंट हैं, आप मार्जिन देंगे तो वो दोनों आपस में दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये तमाम CSS के ना पॉसिबल जितने भी रूल्स हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। जैसे बॉर्डर, देखो बॉर्डर्स हैं, ये देखो बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, कैसे लगेगा ये पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई है, नीचे एग्जाम्पल भी होगा, ये एग्जाम्पल है, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, ठीक है। अब ये ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो ये कोड ओपन हो जाता है इसका, ये रहा ट्राई इट योर सेल्फ, ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर देखें, इन्होंने भी क्लास के ज़रिए दिया हुआ है, इन्होंने क्लास के ज़रिए इस वजह से दिया हुआ है कि अगर ये पैराग्राफ करके करते ना तो एक ही रूल सब पे लग जाता, तो हम ये अपने पास भी जल्दी से लगा के देख लेते हैं। मैंने कहा कि प्रोफाइल पिक्चर जो है ना उसको क्या कर दो, बॉर्डर कर दो उसका डॉटेड, सही है, देखते हैं अप्लाई होता है या नहीं होता। कहाँ गया हमारा वो डॉक्यूमेंट, बॉर्डर आ गया इसमें डॉटेड, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर का साइज भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए मुझे, 2 पिक्सल सॉलिड चाहिए, चलो डॉटेड लगा देते हैं, डॉटेड और येलो मिसाल के तौर पर मुझे येलो बॉर्डर चाहिए, तो 2 पिक्सल का डॉटेड बॉर्डर आ जाएगा और उसका कलर होगा येलो, येलो कलर हो गया। चलो येलो कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं इसको कहता हूँ यार ग्रीन हो जाए बॉर्डर मेरा, ठीक है, ग्रीन कलर का बॉर्डर आ गया। तो इस तरह की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो हमने क्या देखा कि बॉर्डर, अब ये इसमें देखो सारी चीज़ें कवर हैं, बॉर्डर, बॉर्डर्स, बॉर्डर के विड्थ, बॉर्डर का कलर, बॉर्डर के साइड, बॉर्डर का शॉर्ट हैंड, ठीक है। CSS में मार्जिन जो होते हैं, पैडिंग होती है, अच्छा मार्जिन और पैडिंग दोनों से फासला बढ़ता है एलिमेंट्स का आपस में, एक का अंदर की तरफ और एक का बाहर की तरफ, ठीक है। यानी पैडिंग जो आप लगाएंगे तो वो पूरा एलिमेंट भी बड़ा होगा साथ साथ, मार्जिन में वो सिर्फ आपस में दूर दूर होंगे। अच्छा, तो ये अंदर लिखा हुआ भी है, पैडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ भी है,
ठीक है। अच्छा विर्थ हाइट ये हम लगा के देख चुके हैं थोड़ा सा अभी, ये हम थोड़ा सा अभी लगा के देख भी चुके हैं कि कोई भी बॉक्स जो है इसके अंदर, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, उसकी विर्थ और हाइट को हम एडजस्ट करने के लिए ये सीएसएस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा उसके अलावा टेक्स्ट फॉन्ट का स्टाइल, अभी तो फॉन्ट डिफ़ॉल्ट पे आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ यार वो ऐसे घुमा वाला फॉन्ट आ जाए, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो यहाँ से करूँगा। ठीक है ये देख रहे हो, ये सारे फॉन्ट है, सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव, ये देख रहे हो, ऐसा वाला फॉन्ट अगर मुझे चाहिए तो मैं इसके ज़रिए चेंज करूँगा। ठीक है, तो जितने भी फॉन्ट आपकी मशीन में इंस्टॉल हैं वो आप इसके ज़रिए लगा सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट से दूसरे डाउनलोड करके भी ना फॉन्ट, गूगल फॉन्ट, बहुत सारे फॉन्ट अलग से होते हैं जो पीसी में पहले से मौजूद नहीं होते, तो गूगल फॉन्ट से भी आप डाउनलोड करके भी अपनी वेबसाइट पे आप लगा सकते हैं। ठीक है देखो इस तरह करके लगेगा, एग्जांपल पूरी बताई गई है, ऐसे करके लगेगा। ये है एरियल, हेलवेटिका, सैंस सेरिफ, ये तीन फॉन्ट का नाम इसलिए बताया हुआ है कि एक नहीं मिले तो दूसरा मिल जाए, दूसरा नहीं मिले तो तीसरा मिल जाए। ठीक है इसलिए तीन करके बताते हैं। अच्छा और देखो क्या क्या है, लिंक्स, जो लिंक लगाया था ना अपने एंकर टैग, क्लिक करने से दूसरी वेबसाइट खुलती है, उस लिंक पे कौन कौन सा सीएसएस है, टेबल्स, टेबल्स पे कौन कौन से सीएसएस लग सकती है, देखो टेबल का साइज़, अलाइनमेंट, स्टाइल, ये सारी चीज़ें जो टेबल पे लग सकती हैं वो यहाँ पे आपको डिस्कस की हुई है। ठीक है ज़ाहिर है सेल जो होते हैं वो सिर्फ टेबल में होते हैं, तो सेल के ऊपर लगने वाली जो चीज़ है तो वो सिर्फ टेबल पे ही होगी, किसी और पे नहीं होगी। ठीक है तो ये आपको एक लिस्ट मिल गई किसकी, तमाम सीएसएस रूल्स की। अब मेरा ख्याल है सीएसएस में और तो कुछ भी नहीं है, यही था, सही है। अच्छा सीएसएस की एक चीज़ है जो यहाँ पे लिस्ट में मौजूद भी नहीं है और वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी नहीं, जब हम क्या कहते हैं रिएक्ट, इंशाल्लाह थोड़ी सी हम रिएक्ट भी पढ़ेंगे। रिएक्ट क्या है, वेब एप्लीकेशन बनाने का एक फ्रेमवर्क है, थोड़ी सी जब हम पढ़ेंगे ना तो उस वक्त हमें फ्लैक्स बॉक्स के नाम का एक टॉपिक है, वो अभी हमने इसमें लिस्ट में मौजूद नहीं है वो, तो वो फ्लैक्स बॉक्स जो है ना इंशाल्लाह उस वक्त पढ़ेंगे। अच्छा अब ये जितनी मैंने बात बताई है आपको इससे मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, अदरवाइज़ फिर हम ये क्लास को ये पे ख़त्म करते हैं। जी किसको, लिस्ट, ये जो लिस्ट वाला है सीएसएस है, ये लगा कर दिखा दो। ये लिस्ट दो, देखो ना ये जो कोड लिखा है ना मैंने, ये जो कोड मैंने लिखा है ना, ये सब गिटहब में शेयर होता है ना कोड, ये वाला, तो इसमें ये मौजूद है, लेकिन मैं वहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ अगर आप कहेंगे। ठीक है मैं era.sysborg में ये शेयर कर देता हूँ लिंक आपको, ये आ गया। ठीक है ये व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर देना कोई। अच्छा मैं आपको ना वो गिटहब की रिपोजिटरी भी दिखा देता हूँ कौन सी वाली है, इसका मैं नाम चेंज कर दूंगा बाद में, ये ना माई फर्स्ट रेपो, ये वाला जो है ये रिपोजिटरी, इसका मैं नाम चेंज कर दूंगा, आपके सेक्शन का जो नाम है ना वो रख दूंगा इस पर मैं। अच्छा तो इसमें सारा कोड अभी ये पुश हुआ हुआ है, मैं यहाँ से पुश कर देता हूँ। ठीक है पुश करने के लिए क्या तरीका है, कोई मैसेज लिखा मैंने क्लास कोड और ये एंटर कर दिया और ये पुश हो गया, अब यहाँ पर वो कोड आ जाना चाहिए, सही है ये कोड आ गया है यहाँ पे। ये इंडेक्स की फाइल खोली मैंने, ये देखो ये सारी सीएसएस है जो मैंने अभी लिखी है ये वाली, और नीचे ये लिंक भी यहाँ पे लगा हुआ है। सब लोगों को समझ आ गया, तो मैं जितना भी क्लास में कोड लिखा है मैंने आज से पहले पिछली क्लास में और अभी तक, वो इस रिपोजिटरी में मौजूद है, और आइंदा भी हम जितना भी कोड क्लास में लिखेंगे, मैं जो लिखूंगा वो इसमें शेयर होगा। अच्छा तो आपको क्या करना है, आपको ना जाके ये मेरा नाम लिखेंगे ना, आप क्या लिखेंगे गूगल पे जाके कि इंजमाम और साथ में गिटहब लिख दीजिएगा, तो ये मेरी प्रोफाइल आपको आ जाएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके ना यहाँ पे फॉलो का बटन आ रहा होगा तो फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा फॉलो करने से ये होगा कि जब भी मैं कोड पुश करूँगा ना क्लास का कोड, समटाइम मैं भूल जाता हूँ तो मैं घर जाके पुश करता हूँ, तो जैसे ही पुश करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी मोबाइल ऐप पे और यहाँ पे भी। अच्छा दूसरा ये कि रिपोजिटरी में जाके ना आप, ये जो रिपोजिटरी है आपकी ये अभी देखें टॉप पे आ गई ना, जब कोड पुश करते हैं ना तो टॉप पे आ जाती है ये, इस रिपोजिटरी को जाके आपने क्या कर लेना है, स्टार का बटन दबा देना है इस पर। ठीक है
उससे क्या होगा कि इस रिपोजिटरी में ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो इसमें होगी आपको उसका नोटिफिकेशन भी आता रहेगा, ठीक है। और फिर आपके पास ये शो भी होगी सामने, जब आप स्टार कर लेंगे ना तो आपके पास सामने स्टार्ट में ये शो हो रहा होगा, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बाद में। तो ये काम आप लोगों ने कर लेना है समझदारी, ठीक है जी। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, अगली क्लास का असाइनमेंट तो मैं बताना ही भूल गया। असाइनमेंट अगली क्लास का ये है कि जो CV आपने बनाई है ना, उसमें आपने क्या करना है, एक तो उसमें मज़ीद थोड़ा सा चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि कुछ लोगों का मैंने देखा था वो बिल्कुल छोटी सी है CV, ठीक है। तो CV में टेबल्स, इमेजेस, जिन लोगों ने नहीं लगाई हैं तो वो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। जो मज़ीद चीज़ें कुछ ना कुछ आप रियल CV खोल के देखिएगा लोगों की कैसी होती है, उस तरह की बनानी कोई। दूसरी बात, उस CV में आपने कलर्स ऐड करने, चीज़ों पे बॉर्डर लगाना है, CSS जो जो पॉसिबल हो आपसे वो आपने लगानी है, ठीक है। जो एक कोई आप जो गूगल पे जाके लिखेंगे ना, जब यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे रिज्यूमे एंटर, और इमेजेस पे जब आप जाएंगे तो देख रहे हैं आपको ये इस तरह की CV नज़र आ रही है लोगों की, तो आपको ना इसमें से कोई एक CV पकड़ के, अच्छा CSS तो पता चल गई आपको, विर छोटी करनी, हाइट बढ़ानी, ये भी पता चल गया। तो आपको कोशिश ये करना है कि जैसे ये CV है, देखो सिंपल है ना, कलर चेंज हुआ है, ऐसी CV बनानी है, उसमें CSS लगा के अपनी जो एग्जिस्टिंग जो CV है आपकी उसको मोर अट्रैक्टिव बनाना है। ये देख रहे हो कलर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, ये देख रहे हो कलर्स लगाए हुए हैं, तो कलर लगाने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। देखो बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, ये किस पे लगा हुआ है, बैकग्राउंड कलर बॉडी पे लगा हुआ है, बॉडी पे पिंक कलर का बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर कलर समझ में ना आए कि कलर ये कलर कौन सा है, इसका नाम नहीं पता अगर, तो ये देख रहे हो छोटा सा मैंने एक्सटेंशन किया हुआ है, इस एक्सटेंशन का नाम क्या है, इसका नाम कलर जीला नाम है इसका, ठीक है। इसके ज़रिए ना कलर पिक कर सकता हूँ, ये मैंने क्लिक मारा इस पर और पिक कलर फ्रॉम पेज, ये इस पर क्लिक किया मैंने, तो देखो मेरे पास ये एक एरो बना हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो मुझे देखो कलर इसने क्या कर दिया, कलर इसने मुझे कॉपी कर दिया, तो मैं यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर की जगह पे ना ये कलर लगा दूँगा, सॉरी बॉडी पे लगाता हूँ ना, सही है, बॉडी पे मैं क्या करता हूँ, ये बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, सही है। ये कौन सा कलर लगाया मैंने, वो पेज से उठा के लगाया, कलर जीला, ठीक है। ये अब जाके ज़रा मैं देखूँगा ना इसको, देखो वही वाला कलर आ गया, कैसे एकदम लुक चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें करके आपने अपनी CV को मोर अट्रैक्टिव बनाना है, ये आपका टास्क है। अगली क्लास में जब आप आएंगे तो मैं चेक करूँगा, ठीक है जी। चलें, अल्लाह हाफिज़।